Hello students, how are you? I am Sanjay Divedi with new exercise. The today's chapter is morphology of flowering plants. आज आपको flowering plant की morphology के important questions की exercise कराई जाएगी. उनके answers और reasons भी बताए जाएंगे. ध्यान से सुने, मैं एक एक करके questions पढ़ रहा हूँ. Question number 1. What type of placentation is seen in sweet pea? ऐसे सवालों के आंसर कैसे याद रखें? पहले ऐसे सवालों के आंसर याद रखने के लिए आपको जिस प्लांट के बारे में पूछा गया है उसकी फैमिली मालूम होनी चाहिए, और हर फैमिली का निश्चित प्लेसेंटेशन होता है. जैसे स्वीट पी लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और उसका प्लेसेंटेशन है मार्जिनल, तो आंसर हो गया मार्जिनल. बेसल प्लेसेंटेशन ग्रेमिनी में होता है और कंपोजिटिव फैमिली में होता है. एग्जाइल प्रेजेंटेशन मालवेसी फैमिली में होता है, कुकुरबिटेसी में होता है और साथ में सोलनेसी फैमिली में होता है. तो इस तरह से आपको फैमिली की तैयारी रहेगी और उसके प्लांट्स के एग्जाम्पल याद रहेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस याद नहीं करने पड़ेंगे. स्वीट पी का प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, लेग्यूमिनेसी का भी प्लेसेंटेशन मार्जिनल है और स्वीट पी लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करती है. अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. पेंटामेरस 5 भागों में बंटने वाला, एक्टिनोमार्फिक 4 टुकड़ों में बराबर बंटने वाला, बाइकार्पेलरी ओवरी विथ ऑब्लिक सेप्टम एंड फ्रूट ऑफ कैप्सूल आर बेरी बिलोंग्स टू फैमिली, इसका भी हम आंसर बताने का ढंग सिखा देते हैं. जब कभी ओवरी सोलेन हो और उस पर ऑब्लिक सेप्टम हो तो फैमिली का नाम सोलेनेसी. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन ए साइथियम इज, साइथियम एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जहां मेनी मेल फ्लावर होते हैं और सेंट्रली प्लेस्ड सिंगल फीमेल फ्लावर होता है. यानी राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. क्वेश्चन नंबर 4. द फ्रूट इज चैम्बर्स डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी एंड हैज सीड्स विद सकुलेंट टेस्टा. द एग्जाम्पल इज, द आंसर इज पोमग्रेनेट. पोमग्रेनेट यानी अनार. अनार का जो टेस्टा होता है वो सकुलेंट होता है, जिसमें से जूस निकलता है. क्वेश्चन नंबर 5. फ्लेसी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेज ए नंबर ऑफ एकिन्स, ए नंबर ऑफ एकिन्स. रेप्लम अकर्स इन ओवरी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ. रेप्लम अकर्स इन ओवरी ऑफ, रेप्लम फाल्स सेप्टम को कहते हैं ओवरी के, और इट इज इसका पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली है और क्रूसीफेरी का मेंबर मस्टर्ड है. द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7. एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज लेमन. लेमन में प्लेसेंटेशन एग्जाइल होता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कॉटिलेडनस एंड टेस्टा आर रेस्पेक्टिवली एडिबल इन ग्राउंडनट एंड पोमग्रेनेट. पोमग्रेनेट और ग्राउंडनट में टेस्टा एडिबल है और कॉटिलेडन भी एडिबल है. टेमरिंड में एडिबल नहीं है, कोकोनट में एडिबल नहीं है, लीची में टेस्टा एडिबल नहीं है. तो ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत हो गए. चौथा ऑप्शन में पोमग्रेनेट में भी एडिबल है और ग्राउंडनट मूंगफली में भी एडिबल है. क्वेश्चन नंबर 9. फ्लोरल फार्मूला पढ़ रहा हूँ. फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स सेपल्स 5 गैमोसेपल्स कोरोला पेटल्स 5 गैमोपेटलस स्टैमेंस 5 पॉलीएडल्फस फ्री इपीपेटलस गाइनीसियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर. इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी, जिसका मेंबर टोबैको है.
क्वेश्चन नंबर 10, लेडीज फिंगर बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी, ये याद रखिएगा। लेडीज फिंगर फ्रूट है जिसको हम लोग भिंडी के नाम से जानते हैं, फ्रूट का टाइप कैप्सूल है और उसकी फैमिली मालवेसी है। द टेक्निकल टर्म, क्वेश्चन नंबर 11, द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रूसियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज मोनो एडल्फस। जब किसी फ्लावर के सारे स्टेमेंस आपस में यूनाइटेड होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लें, तो उस अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन को मोनो एडल्फस कहते हैं। वह मोनो मैंने एक, एडल्फस मैंने ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, फ्रॉम द रीजन ऑफ इलांगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर्स, ये सही है। नेमेटोफोर्स आर सीन इन सोनेरेसिया, एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन बेनियान ट्री, मेज एंड सुगर केन हैव क्रॉप रूट्स, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन ए एंड डी सही हुआ, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, रूट कैप इज नॉट यूज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूट हेयर। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट हेयर्स आर यूज, रूट हेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन रूट कैप, दैट्स वाई इट इज नॉट यूज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वेलामेन इज ए टिश्यू फाउंड इन, वेलामेन एक टिश्यू है विच इज फाउंड इन एरियल रूट्स ऑफ सम ऑर्किड्स एंड वेंडा। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टेम विथ डिस्टिंक्ट सॉलिड नोट्स एंड हॉलो इंटर नोट्स। बांस देखा होगा, बांस के इंटर नोड हॉलो होते हैं और नोट जहां गांठ होती है वहां सॉलिड होता है, ऐसे स्टेम को क्लम कहा जाता है, कलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन लीफ लाइक वन इंटरनोड लॉन्ग स्टेम ब्रांचेज आर कॉल्ड क्लेडोड, सो क्लेडोड कहते हैं, जिसका एग्जांपल रस्कस है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैव लॉन्ग सिलेंडर एंड क्वाइल्ड स्टेम टेंडिल। स्टेम टेंडिल लंबा पतला और क्वाइल्ड होता है ग्रेप वाइन एंड पंपकिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो है, स्टेम टेंड्रिल इज रिपोर्टेड इन कुकुम्बर, स्टेम थॉर्न इज फाउंड इन साइट्रस, फ्लैटेंड स्टेम इज ऑफ अपुंसिया, और लास्ट फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्टेम इज फाउंड इन यूफोर्बिया। इस तरह से ए ऑप्शन का आर, बी का टी, सी का एस, डी का क्यू एंड ई का पी हुआ, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, इन रस्कस द स्टेम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड क्लेडोड। अभी भी बताया था क्लेडोड क्या है, ग्रीन लीफ लाइक वन इंटरनोड लॉन्ग स्टेम। क्वेश्चन नंबर 20, इन द लीव्स वेन्स आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, यस। मैकेनिकल सपोर्ट, यस। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्लोएम के द्वारा होता है, ये भी सही, यानी राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड फिलोटैक्सी विथ सिंपल रेटिकुलेट लीव्स अकर इन एलेस्टोनिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। घेरे में फिलोटैक्सी लीव का अरेंजमेंट होता है और सिंपल रेटिकुलेट लीव्स होती हैं एलेस्टोनिया की।
स्पैडिक इनफ्लोरेसेंस विद स्पेथ अकर इन मलबेरी, स्पैडिक इनफ्लोरेसेंस विद स्पेथ मलबेरी में पाया जाता, सॉरी बना स्पेथ के साथ बनाना में पाया जाता है। यह आंसर गलत है, राइट आंसर इज बनाना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फिलोड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, द नेम द प्लांट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकाट का गुण है, मूजा जिसे केला कहते हैं, ओराइजा जिसे धान कहते हैं, और कैना, तीनों मोनोकाट हैं। द राइट आंसर इज मैंगो, मैंगी फेरा। क्वेश्चन नंबर 25, इंसेक्ट्स कैप्चर्ड बाय कार्निवोरस प्लांट्स पार्शियली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगते हैं और इंसेक्ट से ही वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट बर्ड इज ऑफ कैबेज, कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, इन साइथियम द रेशियो बिटवीन फीमेल एंड मेल फ्लावर, इसके बारे में पहले भी बताया मैंने कि इन केस ऑफ साइथियम इज ए इन्फ्लोरेसेंस वेयर मेनी फीमेल मेल फ्लावर सराउंड ए सिंगल फीमेल फ्लावर, द रेशियो विल बी 1:1। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ काउली फ्लावर, फूल गोभी का इन्फ्लोरेसेंस होता है, आंसर है कंपाउंड कोरीम। क्वेश्चन नंबर 29, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30, मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन हेबेसी और हेबेसी का ही दूसरा नाम सॉरी ये क्वेश्चन 30 नंबर पे नहीं है, 30 नंबर पे क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल्स ऑन प्लेसेंटा डेवलप्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी, ओब्यूल का प्लेसेंटा पे डेवलपमेंट ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पे कहलाता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है, द पोजिशन ऑफ ओवरी इज बिलो सेपल पेटल एंड स्टेमन, द फ्लावर इज एपिगाइनस, द ओवरी इज इंफीरियर एंड फ्लावर इज एपिगाइनस। जब जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा ओवरी सुपीरियर होगी, जब जब फ्लावर एपिगाइनस होगा ओवरी इंफीरियर होगी। इस तरह से आज मोस्ट सिलेक्टेड 31 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज मैंने कराया, आशा है आपको इससे एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू।